अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन्स के फ़ायदे और नुकसानात मज़मून निगारी उर्दू में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तारुफ के बारे में। मोबाइल फ़ोन्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। मुआसलात में इनकलाब बरपा करते हैं और बेशुमार सहूलियात फराहम करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मोबाइल फ़ोन सादा मुआसलाती आलात से मल्टी फंक्शनल गैजेट्स तक तैयार हुए हैं, जो हमारी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासर करते हैं। अगरचे मोबाइल फ़ोन के फवायद नाकाबिल तरदीद हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल से वाबस्ता मुमकिन खराबियों को पहचानना और उनको दूर करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं फवायद के बारे में। मुआसलात, मोबाइल फ़ोन्स ने फौरी राबता फ्राहम करके मुआसलात में इनकलाब बरपा कर दिया है। लोग अपने मकाम से कितए नज़र दोस्तों, ख़ानदान और साथियों के साथ राबते में रह सकते हैं। कॉल्स, टेक्स्ट्स और फौरी पैगाम रसानी के ज़रिए रियल टाइम मुआसलत ने बाहमी ताल्लुकात को नमाया तौर पर बढ़ाया है। सेकेंड है सहूलत। मोबाइल फ़ोन बेमिसाल सहूलत पेश करते हैं। वो पोर्टेबल मुआसलती आलात, कैमरे, कैलकुलेटर और तफरीही मराकज़ के तौर पर काम करते हैं, जबकि साइज़ के आले में मुतअद्दद अफ़ाल को ले जाने की सलाहियत रोज़मर्रा के कामों को हमवार करती है, जिससे ज़िंदगी ज़्यादा मौसर होती है। मालूमात तक रसाई। मोबाइल फ़ोन सार्फीन को उनकी उंगलियों पर बहुत सारी मालूमात तक रसाई फ्राहम करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी फौरी तलाश की इजाज़त देती है। ख़बरों की ताज़ाकारी से लेकर तालीमी वसाइल तक मुख्तलिफ मौजूआत पर मालूमात फ्राहम करती है। पैदावारी सलाहियत। मोबाइल एप्लीकेशंस ने पैदावारी सलाहियत को तब्दील कर दिया है, जिससे सार्फीन को कामों का इंतज़ाम करने, मुलाकातों का शेड्यूल बनाने और चलते फिरते काम से मुतल्लिका दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल करने की इजाज़त मिलती है। इससे दूर दराज के काम में आसानी हुई है और मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी आई है। हंगामी हालात। मोबाइल फ़ोन हंगामी हालात में अहम किरदार अदा करते हैं। वो बहरानों के दौरान फौरी मुआसलत को काबिल बनाते हैं, जिससे अफराद मदद तलब कर सकते हैं या हंगामी सूरत हाल की फौरी इतला देते हैं। GPS टेक्नोलॉजी का इंजमाम मुसीबत में मुबतला अफराद को तलाश करने में मदद करता है। अब बात करते हैं नुकसानात के बारे में। सेहत के खदशात। मोबाइल फ़ोन के तवील इस्तेमाल ने सेहत के खदशात को जन्म दिया है, ख़ास तौर पर ताबकारी की नुमाइश के हवाले से, जबकि तहकीक जारी है। कुछ मुतालियात मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल और सेहत के मसाइल के दरमियान मुमकिन ताल्लुक़ का मशवरा देते हैं, बशमूल सिर दर्द और बाज कैंसर के बढ़ते हुए ख़तरे। सेकंड है नशा या एडिक्शन। मोबाइल फ़ोन की लत की नवायत ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स के अरूज के साथ एक अहम तश्वीश बन गई है। ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन का वक्त, पैदावारी सलाहियत में कमी, नींद के अंदाज में खलल और कशीदा ताल्लुकात का बायस बन सकता है। राजदारी के मसाइल। मोबाइल फ़ोन ज़ाती डेटा की एक बड़ी मकदार को ज़खीरा करते हैं और डेटा की खिलाफ वर्जियों और गैर मजाज रसाई के बढ़ते हुए फैलाव के साथ राजदारी के खदशात पैदा होते हैं। सार्फीन को हसास मालूमात के इश्तराक के बारे में मुहतात रहना चाहिए और सिक्योरिटी की तरतीबात को बाकायदगी से अपडेट करना चाहिए।
خرفشار موبائل فون خاص طور پر تعلیمی اور کام کی ترتیبات میں خرفشار کا باعث بن سکتا ہے۔ اطلاعات، کالز اور ایپس توجہ ہٹا سکتے ہیں، جس سے ارتکاز اور مجموعی پیداواریت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ لوگوں سے الگ رہنا، مواصلات کو بڑھانے کے باوجود موبائل فون پر ضرورت سے زیادہ انحصار سماجی تنہائی کا باعث بن سکتا ہے۔ آمنے سامنے بات چیت میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ لوگ ورچوئل کمیونیکیشن کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے باہمی مہارتوں میں ممکنہ کمی واقع ہوتی ہے۔ نتیجہ یعنی کہ کنکلوژن، موبائل فونز نے بلا شبہ ہمارے رہن سہن اور بات چیت کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ تاہم اس ٹیکنالوجی کے متوازن اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ نقصانات کو تسلیم کرنا اور ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ موبائل فون کے فوائد اور نقصانات کے درمیان صحت مند توازن قائم کرنا لوگوں کے لیے صحت، تعلقات اور مجموعی طور پر صحت پر ممکنہ منفی اثرات کو کم کرتے ہوئے مثبت پہلوؤں کو بروئے کار لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پسند آئے پلیز ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو یہ ایسے رن فارم میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے، جس پر کلک کر کے آپ اس ایسے کو رن فارم میں لے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔